सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई आज की वीडियो जो है वो कुछ भी आप लोग जो गाड़ियाँ देखते हो या फिर जो मॉडिफिकेशन मैं दिखाता हूँ उसके बारे में नहीं है। सो इट्स वेरी स्वीट एंड सिंपल। बहुत सारे लोग कह रहे थे आप कुछ नई चीज़ अपग्रेड करो, सो वी आर अपग्रेडिंग राइट नाउ। सो अभी मैं हूँ द्वारका सेक्टर 7 इमेज स्क्वायर कैनन, दिखाओ ऊपर। तो भाई जो मैंने कैमरा प्लान किया है वो अभी लेटेस्ट है सबसे ज़्यादा, और उसी के साथ में माइक का ऑप्शन, जो भी चीज़ का ऑप्शन हो सकता है वो मैं प्रेफर कर रहा हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड, कैसा रहता है, क्या है, सब कुछ है आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। लालचंद भाई, भाई यहाँ पर हमारे जितने भी हम कैमरे प्रेफर करते हैं वो सब कुछ यहीं से आते हैं, इमेज स्क्वायर द्वारका सेक्टर 7। सो जो सा कैमरा हम लोग चूज कर रहे हैं वो है 200D Mark II, सबसे लेटेस्ट है और अपग्रेडिंग वर्जन है। तो अरुण जी हमारे साथ है, अरुण जी को आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस में देखा हुआ है। अरुण जी एक चीज बताओ, क्या क्या कहते हो चॉइस में? वैसे अरुण जी ने मेरे को बोला है कि सितंबर अक्टूबर तक अगर आप वेट कर लेते तो इसका कुछ कहाँ गया हो, ये क्या इसी का 9 नंबर लिखा हुआ जो है वो आ जाता है, लेकिन भैया ने बोला अगर आपको अभी चाहिए चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, कोई बुरी चीज नहीं है। क्या कहते हो अभी इसको लेके एज ए सेकेंडरी कैमरा आफ्टर, हाँ जो भी 90 डे उसमें अपग्रेड करके इसको एज ए सेकेंडरी कैमरा यूज कर लो, है ना। तो भाई क्या क्या चीजें चॉइस में मैंने कर ली है, ठीक है, वो तो मैंने केवल बाहर जाके आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो स्टार्ट करवाई थी। वैसे मैं सब कुछ चूज कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहली चीज जो माइक के ऑप्शन थे भाई, ठीक है, एक तो था ये वीडियो का माइक्रो जिसके आगे आप लोगों का ये फर जिसको बोलते हैं फर लगा होता है, डेड कैट जो है वो अलग होता है, ये मेरे को आज पता चला, मेरे भाई ने बताया, लालचंद ने, है ना भाई, अलग होता है ना, डेड कैट अलग होता है, कुछ बने होते हैं लंबी सी होती है, मोस्ट प्रोबेबली उन माइकों में लगा जाता है जो रॉड के बड़े NTG4 NTG3 माइक वो जो पड़ा हुआ उनमें लगता है, उसमें नहीं लगता, बड़े माइकों में लगता है। आप देखा होगा ना जब वीडियो शूटिंग करते फिल्मों में, इसलिए का बंदा बेचारा मेहनती आदमी इसलिए लगा होता है लंबा सा माइक होता है उसको लगा होता है डेड कैट। अच्छा अच्छा, चलो ये भी सही है, बूम बाइक बता दिया भाई, ये भी चीज अच्छी चीज है। दूसरा ऑप्शन जो था हमारे पास था वो ये, ठीक है। तो भाई देखो प्राइसिंग का कोई ज्यादा फर्क नहीं था, भैया मेरे को बहुत जबरदस्त प्राइस देते हैं जो कि मैं डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे को देंगे नहीं अगली बारी से, ठीक है। तो ये है भाई वीडियो माइक गो लाइट वेट ऑन कैमरा माइक्रोफोन। सो ये देखने में कुछ ऐसा सा लगता है, ये थोड़ा सा मतलब पर्सनली मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने भैया को बोला कि मैं इसको ले लूंगा, भैया ने बहुत दोनों की रेंज सेम है ना, साउंड क्वालिटी में अच्छा है। तो भाई एक काम करते हैं, अपना वो निकाल दिया आपने जो हमारा कैमरा निकाल रहे, तो दिखा दो कहाँ से निकालोगे, दिखा दो भाई, के बिठा रहे थे, बोलो खुलता सिम सिम सही है सही है। तो भाई भाई का भी एक YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हैं अब, तो बहुत YouTube चैनल का बंदों में वो क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग करी है। Mark II निकाल दो, और G7X Mark जो अभी वो आता था, G7X अपने ने लिया था Mark II, वो अभी तक मार्केट में ट्रेंडिंग में रहेगा, है ना, अभी भी शॉर्टेज में चलता है। Mark III नया कैमरा तो भाई देख लो, ठीक है, 200D Mark II है। तो भाई एक बारी अनबॉक्सिंग करते हैं, अच्छी तरीके से दिखाओ जरा अनबॉक्स करके ना, कहीं खुली सी जगह, हाँ ये सही है, ये बढ़िया है, जैसे ऊपर से लोग क्या वाला टाइम जो है आफ्टर G7X ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग मॉडल होने वाले हैं, ठीक है, सही है, मतलब हम सही पाथ में चल रहे हैं, है ना, सही पाथ में चल रहे हैं। तो भाई ज्यादा पैसा है भी नहीं ना हमारे पास, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के कर रहे हैं, क्या कहना है लालचंद जी? नहीं नहीं सर की बात से पैसे ज्यादा नहीं है, पर वो जो भी पैसे अकाउंट में है सही है। तो भाई अनबॉक्सिंग करेंगे, ले आओ कटर वटर, ले आओ कटर लेके आते हैं अभी सर के हाथ के द्वारा, हम चलो भाई नहीं नहीं मैं कहती मैं बना दूंगा, करो करो अनबॉक्स करो, चलो भाई। तो ये देख सकते हो सर, आप कहीं भी जाओगे सील टूटी मिलेगी, बट आपको मैंने भी काटी है प्रॉपर सील मिलेगी कैनन की, कहीं और नहीं मिलेगी, एक नंबर का माल है, चौखा माल है, चौखा माल है, चलो भाई अरुण जी बढ़िया अनबॉक्सिंग भी करवा रहे हो आप तो। बाकी भाई इसके मैं आपको यूसेज भी करके दिखाऊंगा गाइस कि कैसा इसका यूसेज का रिस्पांस आता है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, पहला कैमरा इसमें आया DSLR में इस रेंज के अंदर, इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लो लाइट क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, मेगापिक्सल अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, टच फोकस टच क्लिक है, और लाइट वेट की बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। हाँ मैंने क्योंकि ये भी प्लान किया था कि 80D ले लूं, लेकिन वो 3 साल पुराना कैमरा है, भैया ने कहा कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा फीचर्स आपको इसमें मिल रहा है और लाइट वेट है जो कि व्लॉगिंग की सबसे बेस्ट बात सबसे बढ़िया है, चलो भाई। और जैसा कि आप देखते हैं आपने गुरुजी की वीडियो देखी होंगी, जब से उसमें एक यूजर मैनुअल मिलता है वैसे ही इसमें यूजर मैनुअल मिलता है। आपको बता दूं अगर आपको भी कैमरा लेते हैं, आपको कैमरा अपना एक्सपर्ट बनना है, तो पक्का इसे पढ़े पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए,
लोग बढ़ते नहीं जाते सबसे जान पाएंगे। ठीक है भाई, वारंटी कार्ड है, ठीक है, इसकी एक्सेसरीज है, एक बैटरी मिलती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको 16 GB का कार्ड मिलता है, ठीक है, सैंडिस्क का हाई स्पीड का कार्ड मिलता है इसके अंदर आपको, ठीक है। इसकी पावर कार्ड होती है, ठीक है। इसका जेन्युइन चार्जर मिलता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप मिलती है, इसका लेंस मिलता है, सबसे लेटेस्ट लेंस है। भाई लोगों को सबसे प्रॉब्लम होती है कि अगर आप चाइनीज और लोकल मार्केट में जाते हैं ना, वहाँ पे आपको कैमरा बहुत सस्ता मिलेगा, पर जोर बहुत करते हैं, जोर ऐसा करते हैं, आपके लिए टेक्निकल टूल का होते हैं। सेकंड हैंड भी देते क्या उधर? सेकंड हैंड जल्द ज्यादा मिल जाता है। अब होता है क्या है, इस लेंस में 3 वेरियंट आते हैं, एक आता है नॉर्मल, ठीक है, ऐसे बेसिक लेंस कैमरा में जो लगा होता है, ठीक है, एक जो पहला आता था वो, और ये सबसे लेटेस्ट लेंस है। अब इस लेंसों के प्राइस में बहुत फर्क है, आप क्या कहते हैं आपको 1000-2000 रुपए सस्ता कर देंगे, लेंस वो डमा देंगे, होगा 18-55, पर आपको पता नहीं लेंस से फायदा कितना होता है। चलो ये भी बढ़िया अच्छी चीज बताई भाई ने, कौन सा कैमरा, चलो कैमरा तो हो गया, लेंस कौन सा हमने डन किया? 1018 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो उसका भी अभी अनबॉक्सिंग आपके सामने पूरी खोल के बढ़िया तरीके से आपको दिखाएंगे। डेंटा है जिसका वेट था वो आ चुका है, सो भाई एक बार देख लो, हम सिनेमेटिक शॉट में यकीन नहीं रखते, हम नॉर्मली लोगों को ऐसे दिखाते हैं भाई कैसा देखने में। तो शादी की सबसे अच्छी चीज होती है जो आज के लोगों में पाई नहीं जाती, बिल्कुल। और देखो कितना हल्का है यार, देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ और उसके बाद आपको और अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। सो गाइस इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, मैंने कैमरे को थोड़ा सा अभी यूज करके देख लिया, इसके बाद मैं लेंसेंस लगाना वगाना सब कुछ आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन मीनवाइल जो है जो हम खरीद रहे हैं 10-18 mm है ये, ठीक है। और भैया इसकी ओरिजिनलिटी का क्या प्रूफ होता है, कैसे देखा जाता है ये भी सिखा दो लोगों को। इसमें मेनली जो बेस्ट पार्ट देखा कि सबसे एक ही स्टैंडर्ड लेंस आता है जो कि आईएस एसटीएम के साथ होता है, ठीक है। एसटीएम का बेनिफिट ये होता है, ये बहुत ही फास्ट लेंस होता है, ठीक है। वीडियो में आपको फोकस जो है बहुत ही साइलेंट एंड फास्ट मिलेगा, ठीक है, मतलब मजा आएगा सीधे से कहने वाले उसमें। तो इसको भी जरा अनबॉक्स कर खोलते हैं। सर इस बार बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं पिछली बार के मुकाबले, लग रहा है कि इनका वीडियो रिस्पांस अच्छा चल रहा है, बिल्कुल पैसा ज्यादा कमा रहे हो। तो दोबारा से चैनल सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, इनको कई मिलियन में पहुंचाओ, व्यूज कम से कम 100 मिलियन से वीडियो पे आनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो भाई भाई के मुंह में घी शक्कर नहीं, मोटा होकर दिक्कत हो जाएगी, नहीं नहीं कोई अति मोटे हो जाओ भाई, घी शक्कर होनी चाहिए। तो यही लेंस लगा के एक बार चेक करा दो लोगों को, बैटरी में थोड़ा सा तो होगा भी, चार्ज होता है ना, थोड़ा बहुत चार्ज होता है, बिल्कुल एक बार चेक कराते। और इसको ले क्यों रहा हूं मैं, आपको इसका भी रीजन बता दूंगा, क्योंकि भाई जब लगाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से वो चीज भी दिख जाएगी, ठीक है। सो भाई श्री गणेश करेंगे हम लोग, ठीक है, श्री गणेश करूंगा मैं अपने हाथों से, भैया पीछे वीडियो बना रहे होंगे, ठीक है। और अभी मैं किससे शूट कर रहा हूँ गैस मार लो, और कमेंट करके जरूर बताना कि किस चीज से शूट हो रहा होगा, अगर आप बताएंगे गिव अवे हो जाएगा, गिव अवे, गिव अवे भाई करेगा गिव अवे। अगर अगर गाइस लोग आपने बताया किस कैमरा से शूट हो रही है वीडियो, और जिससे जुड़ेगा वो कैमरा बंदे को दे दिया जाएगा, बिल्कुल, पर हम लोग नहीं होंगे तब देते वक्त उसको। उसका हो जाए। सो गाइस इट्स टाइम कि हम लोग जो है अपना पहले इसको श्री गणेश कर दे, तो अपनी ऑडियंस को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो हमने लगा रखा है लेंस वो भी आप लोगों को मैं उसका भी यूज दिखाऊंगा, जो कि आप यूजली देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब के जितने फैमिली मेंबर्स है वो लोग करते हैं, ठीक है। तो भाई चेकआउट करे ऑन, इधर से दिखाते हो स्क्रीन से ना भैया, हो रहा है फोकस बढ़िया, तो यहाँ से हम लोग गए वीडियो मोड में, ठीक है। तो गाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितना वाइड लेंस है, ठीक है, बहुत जबरदस्त वाला रिस्पॉन्स है। और ऐसे ही इसकी फुटेज नहीं खत्म होगी, इसकी फुटेज मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, और ये वीडियो मैं यहीं पर हैंड नहीं करूंगा, मुझे ये बस पेमेंट करनी है और बाकी हम सबने चेक कर लिया है, जल्दी वेट है कि कब दिया कब जाए। तो इसको बस करता हूँ, एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया आगे और देखना आपको मजा आएगा। मैं घर पे आया हूँ और ये मैंने क्लोथ रखा है, बाई चांस अगर कभी लेंस गंदा वंदा हो जाए तो उसके लिए। तो फिलहाल जो मेरा सेटअप रेडी हुआ है यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लो, ठीक है। तो ये मैंने जो अपनी मैनफ्रोटो वाली आती है ये लगाई हुई है, ऊपर मेरा कैमरा है और उसके ऊपर अपना रोड वाला माइक है, एंड द फ्रंट लुक वेरी गुड, बहुत बल्की हो गया, मेरे को इतना भारी चीज़ पकड़ने की आदत नहीं है, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अगर कुछ सीखना है जिंदगी में तो आपको कुछ चेंज करना पड़ता है। लेकिन इट लुक्स वेरी प्रीमियम और देखने में जबरदस्त लगता है। प्रीमियम वर्ड क्यों बोला, क्योंकि भाई प्रीमियम वर्ड मेरा फेवरेट वर्ड है। यहाँ पर आपकी ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। सो बात आती है भाई इसके पूरे बैग की, सो एक चांदनी चौक जाके इसका बैग लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो आ रही है वो ये है कि इनकी जो बैटरीज है एक्स्ट्रा बैटरी वो अवेलेबल नहीं है। इसकी करीबन 40 मिनट तक का जो है बैटरी बैकअप, 40 से 1 घंटे का बता रहे हैं, लेट्स सी अपने यूज़ में कितना बनता है। सो ये जो अपना माइक है ये इसी की पावर लेता है और इसको कम पावर लेते हो कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है भाई, देखो ये जो है एक तो सही रेंज में अच्छे सस्ते में या फिर कह सकते हैं आपकी पॉकेट के जो बजट में होता है उसमें मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का आपको ऑप्शन नहीं मिलता, वो है गेन बढ़ाना है कम करने का, उसके लिए थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा, एंड यू कैन गेट इट। सो सही है फिलहाल के लिए, ठीक है, थोड़ा टेस्ट करूंगा गाड़ी वाड़ी के अंदर बैठ के, एंड आकृति भी आने वाली है, आकृति से आप लोगों को मिलवाता हूं और उसकी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा हम एक स्पिन के लिए जाएंगे, एंड उसके बाद फिर आप लोगों को और बताऊंगा, उससे पूछूंगा कि उसको कैसा लगा कैमरा।
सो गाइस अब जो है हम लोग करने वाले हैं अपने कैमरे की टेस्टिंग। तो कैमरे की टेस्टिंग जो है वो आप लोग देख सकते हो कितना वाइड लेंस दिख रहा है। देखो ये फुल जूम इन है और ये जूम आउट है, ठीक है। और बताना कि भाई आवाज़ का कैसा रिस्पॉन्स है, वाइड का तो रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा खतरनाक है। तो आज जो है आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूँ मैं। हम लोग आप इसी की गाड़ी में पूरा थोड़ा सा गिरडी उड़ी मारने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स वाइज बताऊँगा। और जब भी किसी गाड़ी का मैं रिव्यू व्यू बनाता हूँ तो मुझे सबसे अच्छी ज़रूरत चाहिए कि भाई वो थोड़ा सा बढ़िया कैमरे वाला रिस्पॉन्स हो, बहुत तगड़ा। कैसा लग रहा है थी कैमरा देखने में? बहुत बढ़िया लुक से आ रहा है इसका, बहुत ही शानदार। कुछ बोल दे एक बार लोग ले। क्या बोलूँ, हैप्पी गर्मी भाई, इतनी गर्मी हो रही है। देख कहाँ पर खड़ी हुई थी गाड़ी, पार्क कहाँ थी पूरी, यहाँ पर सीधे धूप पड़ रही है और ऊपर से लोग खतरनाक। तो थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलाते हैं और उसके बाद फिर सीन बनाएंगे। तो गाइस अब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं अपना फ्रंट वाला कैसा लुक आता है जब हम लोग इसमें व्लॉग करते हैं। सो आकृति और मैंने दोनों सीट बेल्ट पहनी हुई है। और भाई यार इसके अंदर व्लॉग करने में कुछ ज़बरदस्त वाले मतलब अलग ही फील आ रही है, क्या कहती है? नेक्स्ट लेवल। तो एक चीज़ बता, बहुत सारे दोस्त ना, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मैनुअल गाड़ी चलाना सिखाया था, तो ऑटोमेटिक सिखाएगी? कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स लाइक वेरी स्मूथ, स्कूटी चला रहे हो ना वैसा एक्सपीरियंस। और मैं लिटरली बता रहा हूँ इस टाइम पे इतनी स्वेटिंग है कि जो बाल भी बांध दिए। हाँ, इसने अपने बाल भी बांध दिया और अल्टीमेट वाली पूरी स्वेटिंग हो रही है। लेकिन भाई जो कैमरे का रिस्पांस है और जो सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोगों को कैसी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग वो चीज़ बताओगे। लेकिन ये वाइड लेंस इज क्रेजी मैन। तो अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो मतलब हम दोनों का व्यू पॉइंट आप लोगों को दिखता रहेगा। और इधर से अगर चाहूँ तो थोड़ा जूम और जूम आउट, भाई दिस इज़ फन मैन। तो मैंने कभी भी देखो पर्सनली सोचा नहीं था कि मैं कभी भी ऐसे पूरा फुल सेटअप लूँगा, है ना। मैंने कभी बोला भी नहीं था कि मेरा फुल सेटअप, क्योंकि आज तक का मेरा जो भी सेटअप रहा है दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन। अब आज का भी आउटपुट बढ़िया होता था, लेकिन स्टिल अब जब आप अपग्रेड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हो, तो यू नीड कि आपकी ऑडियंस की बात आप लोग सुनो। और ऑडियंस जो चाहती है वही होगा, क्योंकि ऑडियंस इज द क्या बेस्ट किंग। अरे यार लेफ्ट ले ले यहाँ से। तो थोड़ा सा हम लोग पता है क्या होती है, हमने बेसिक से शुरू किया GoPro से, देन वी वेंट फॉर कैमरा एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द बेस्ट। तो लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो वैसे वैसे आपकी ऑडियंस भी बड़ी होती है और साथ में आप तरक्की भी होती है, जैसे हमारे कैमरे की हुई है। चलो बट सो भाई कौन कौन भाई आने वाला है जेसीबी की खुदाई के लिए? है जेसीबी खुदाई का क्या सीन था यार? जेसीबी की खुदाई का एक वो इवेंट था गुड़गांव में, तो ये सनी लियोनी ने स्टार्ट किया था ना? है? हाँ कुछ ऐसा था, मेरे को तो ये सुनने में आया कि सनी लियोनी ने। मुझे नहीं समझ आया एकदम से जेसीबी की खुदाई को इतना हाइप क्यों मिला है, आई डोंट नो, लाइक सालों से होती आ रही है जेसीबी की खुदाई, अब क्यों इतना हाइप दे रहे हो? ये तो भैया ही बता सकते हैं कि जेसीबी की खुदाई कहाँ हो रही है। नया सा लग रहा है भैया का, ट्रक नया है, चल ट्रक के लोग जेसीबी भैया वही जा रहे हैं जेसीबी खुदाई के लिए। और मेरे से आकृति पूछी थी तू चलेगा ना जेसीबी की खुदाई देखने? क्या हो गया? जाम लग गया क्योंकि आगे वाले की गाड़ी ख़राब हो गई है। तो हम लोग गाड़ी में घूम के आ चुके हैं, आकृति जो है वो निकल चुकी है वापसी। सो मीनवाइल जो बीच बीच में है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताया था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर करता हूँ। तो कुछ जैसे ये ट्रैवलिंग वाला सीन आता है ना, तो उसके बाद क्या होता है दिल्ली आने के बाद मेरे थोड़ा सा पेट में दर्द या फिर कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है पेट से रिलेटेड। सो वो भी आज मैंने थोड़ा डॉक्टर को दिखा के सॉर्ट आउट कर दिया है, और वो कह रहे कि वही इन्फेक्शन हो जाता है बाहर का खाना खाने की वजह से, लेकिन क्या कर सकते हैं। सो कैमरे के बारे में बात करते हैं भाई। तो सबसे पहली चीज़ जो ये वाइड है, ठीक है, सो जैसे यूजली मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ठीक है, ऐसे करके जूम कर लेते हैं। सो अगर बाई चांस आप लोग जैसे बैठ के दो लोग बात कर रहे हो और फ्रेम अगर आपको पीछे करना है या फिर आगे वाला थोड़ा जूम चाहिए, तो ये फुल जूम है अगर आप लोग इस लेंस को परचेज करते हो, तो इट लुक्स वेरी गुड। आप लोगों ने बाकी कमेंट करके बताना है। जो ऊपर आप लोग देखते हो वो फर वाला जो है वो मैंने अलग से परचेज किया था, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। सो इट लुक्स वेरी गुड। बाकी एक बार मेरे को आज चांदनी चौक जाना पड़ेगा और मेरे को इसकी थोड़ी चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि ये समथिंग वेरी स्पेशल कमिंग फॉर यू ऑल, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसी के साथ में जब ये कैप लगा दो तो बंद, ऑन कर दिया तो सब कुछ ओके। सो थोड़ा सा जो है आप लोगों ने इधर का वाला पूरा ये चीज़ देख लिया। अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ किसी पार्क में और वहाँ पर आप लोगों को मैं इसका वाइड लेंस का सीन दिखाऊंगा, इट्स वेरी गुड। और अपना यूसेज का रिव्यू भी दे दूंगा कि भाई मेरे को ये परचेज सही लगा कि नहीं लगा। खरीदा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झूठ कुछ बताऊंगा, लेकिन स्टिल फॉर आइडिया आप लोगों को चीज़ बता दूंगा एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो गाइस अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मैं यूजली जो है अगर कुछ कभी भी मेरे को बैठना होता है तो मैं आता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर मस्जिद है, तो मस्जिद के साइड में पार्क है, इसको मस्जिद वाला पार्क कहते हैं हम लोग। एंड चलते हैं अंदर। सो बेसिकली मैं भाई अभी जो हूँ कैमरे से थोड़ा सा यूज्ड टू हो रहा हूँ,
पर वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे यहाँ पर कुछ भी ग्रीनरी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, अब तो यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो चुकी है। तो यूजली लोग यहाँ पर वॉक वॉक करने के लिए भी आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। द्वारका बहुत चिल सीन है भाई, द्वारका जो है बढ़िया लगता है। गाड़ी मैंने पार्क कर दी थी, एक बार मैं ज़रा लॉक चेक कर लूँ, वहम ही हो गया हूँ भाई, गाड़ी चेक करता रहता हूँ मैं, ये लॉक क्यों नहीं हो रही। ठीक है गाइस, सॉर्टेड। सो यूजली जब भी हम लोग आते हैं तो हम लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर आप लोगों को लेकर चलता है। बहुत क्लीन है भाई ये, यूजली आप लोगों को ऐसा क्लीन देखने को बहुत कम पार्क मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में जो है स्पेशली जो गवर्नमेंट है भाई उसने काम किया है, और ये तो जिम तो लगा ही दिया भाई। तो ये जिम में आप जैसा जैसा वर्कआउट करना चाहो वैसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई वर्कआउट भी करके दिखाओ, तो जितना आप लोगों को पूरा एक अच्छे तरीके से आइडिया दे सकता हूँ। तो दे दिया, ग्रीनरी देख लो पूरी, जहाँ बैठते हैं वहाँ चलते हैं, क्योंकि भाई सूरज देवता जो है वो आज ज़्यादा खुश नहीं है हम लोगों से, बहुत ज़्यादा मज़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर धूप, लोग चिल कर रहे हैं, देख लो भाई लोग चिल कर रहे हैं अपना मस्त बैठ के। तो दिस इज़ द स्पॉट, यहाँ पर अगर कभी भी आप लोग लेट नाइट आते हो ना, तो लेट नाइट में आप लोगों की चीज़ बताता हूँ, आपको थोड़ा सा हॉरर वाला फील आता है यहाँ पर। ये क्या बना हुआ है देखो, थोड़ा सा हॉरर वाला, लेकिन इट्स रियली गुड। लेट्स गो इनसाइड। और कैमरे का भाई आउटपुट बताना आप लोग, कैमरे का ये लेंस कैसा आउटपुट दे रहा है। सो गाइस, इट्स टाइम कि आप लोगों को ना एक बार ज़रा फीडबैक दे दूँ थोड़ा सा, ठीक है, जूम इन जूम आउट, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा जूम इन जूम आउट के साथ मेरा थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला खेल चल रहा है। सो पहले मेरे को ऊपर देखने की आदत थी, अब मैं थोड़ा साइड में देख के बात करता हूँ, अगर देखूँ तो भाई प्लीज़ इस चीज़ को समझ जाना। तो जहाँ तक बात करोगे कैमरे का आउटपुट, सो जितना मैंने अभी तक यूज़ करके इसको देखा है लेने के बाद से, भाई लगा लो अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसके लिए यूज़ टू होने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी मेरे न्यू यूट्यूबर्स मेरे भाई लोग आ रहे हैं, सो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा गो फॉर G7X Mark II, बेस्ट कैमरा है, मैंने भी यूज़ किया। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई अब अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो करो। और एक चीज़ बताता हूँ, G7X Mark II 80D को टक्कर देता है। जिन को नहीं पता 80D क्या है, वो अब 70,000 का बिकता है, 70-80,000 का। और मतलब लगा लो कि ये जो 200D Mark II आया है, इट वाज अ रेवोल्यूशन जो कि व्लॉगिंग के लिए लेके आया, क्योंकि इनकी स्क्रीन फ्लिप हो जाती थी। सेम 200D में था, लेकिन उसके अंदर कुछ फोकसिंग वाला की टच वच वाला खेल कुछ था, जिसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने भी जैसे यूट्यूब में जाके सर्च किया, मैंने स्पेसिफिकेशन पढ़ी, तो वहाँ पर मेरे को ये चीज़ रिलायबल लगी, और मैंने सोचा कि क्यों ना भाई आप लोगों को भी ये चीज़ बताई जाए। तो इट्स गुड टू गो, 200D Mark II इज द राइट चॉइस। सो देखो भाई, अगर मैंने ये कैमरा ख़रीदा और तो आप बोलोगे कि भाई तू तो तभी सही कह रहा है क्योंकि तूने इस कैमरे को ख़रीद लिया है, तो भाई देखो बात ऐसी है कि मैंने इस कैमरे को ख़रीदा है केवल इसलिए ख़रीदा कि मैं आप लोगों को क्वालिटी व्लॉग्स दे सकूं। एंड आई एम प्लानिंग कि जब अब मुसाफिर जो है जब ट्रैवल करता है तो आप उसको बहुत अंधा प्यार देते हो, क्योंकि पहले हमारे चैनल में फ़र्स्ट इंप्रेशन आते थे, उसके बाद हमने अपना एसेसरीज वाला स्टार्ट किया, फिर मॉडिफिकेशन वाला स्टार्ट किया। नाउ इट्स टाइम कि आई शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, जो कि मैं बहुत जल्दी मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करने वाला हूँ। सो ऐसे पकड़ने में थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि भाई हाथ में जो है ना थोड़ा सा भार पड़ता है, लेकिन इट फील्स वेरी गुड। आप लोगों ने बताना है कि जो मैंने ये पूरा सेटअप खरीदा है ये वर्थ था खरीदना कि नहीं था। ऑडियो का आउटपुट बता देना, क्योंकि जो इसमें आगे की तरफ ये फर वाला सीन लगा हुआ है, तो यूजुअली अगर ये इस तरफ हो रखा है तो इस तरफ की आवाज़ तो अच्छी आती है, लेकिन पीछे के बारे में मेरे को नहीं पता है कि पीछे के बारे में कैसे, तो उसमें कुछ ज़्यादा हौचपच वाला खेल है नहीं, उसमें करना क्या है, इसी को उल्टा करके उस तरफ लगा देंगे एंड इट विल वर्क परफेक्टली, जो कि मेरी उम्मीद भी थी। और भाई मज़ेदार तो है, और बाकी ये वाइड लेंस का जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों ने मेरे को बताना है, ठीक है। मेरे को जूम इन जूम आउट वाली चीज़ बहुत पसंद आई, क्योंकि यूजली जब हम G7X Mark II यूज़ करते थे तो उसमें मेरे को जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ता था, उसमें डिजिटल जूम होता था, उसमें ऐसे बटन दबा के आगे भी चेक करना पड़ता था, आगे से भी जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, तो वो चीज़ सही नहीं थी। अभी भी मेरा हाथ थक रहा है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा देर तक अगर एक तरफ से पकड़ के रख रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन स्टिल इट्स गुड टू गो। और अगर हम लोग घास के ऊपर, थोड़ी धूप हो रही है, लेकिन स्टिल बैठ के आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो भाई मज़ेदार है। आवाज़ का आउटपुट आपने बताना है अगेन कैसा है, और बाकी तो आपका भाई जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था कर दिया है। एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं वीडियोस बनाऊंगा कार वाली, स्पेशली लॉन्चेज वाली, तो उसमें मैं केवल इस कैमरे को हाथ से पकड़ के रखूँगा, क्योंकि उसमें अगर मैंने ये गिम्बल लगा दिया तब ये दिक्कत करेगा,
मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वाइब्रेशन और वो चीज़ सब फील होगी और आई गेस आप लोगों को भी फील हो रहा होगा। तो प्लीज़ नया हूँ, बुरा मत मानना और सपोर्ट करना। बाकी तो आप लोगों को जो चीज़ दिखानी थी दिखा दी है, इट्स गुड, बाकी आप लोग बताओगे। सो गाइस, बारी आती है कि भाई एक बारी इस वीडियो को पूरा एंड कर दिया जाए। तो भाई वीडियो का जो आप लोगों ने पूरे स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखी उसमें मैं अगर आपको ज़्यादा एक्साइटेड दिखूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना। आगे आने वाले व्लॉग्स मोस्ट प्रॉब्ली इसी कैमरे से आएंगे। देखो कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग कैमरा परचेज करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन बाद में उसका यूसेज जब बहुत मुश्किल बन जाता है तब दिक्कत हो जाती है। सो मैं इससे पहले जो चीज़ सेटअप यूज़ करता था दैट वॉज G7X एंड माई आईफोन एक्सेस, और भाई मतलब अनबिलीवेबल क्वालिटी जो आपने इतने टाइम से देखा है वो इन दोनों का ही आउटपुट था। एंड इट वॉज मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। लोग आउटपुट की प्रॉब्लम कहते थे कि आवाज़ अच्छी नहीं आती है, लेकिन अपने उसमें कभी कभी भी वो भी चीज़ नहीं आई। सो अब तो अब और अपग्रेड कर लिया। आप लोग बताओगे भाई इस माइक का ये है कि आस पास कैसे ये ई रिक्शा गुजरा तो इसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, पीछे से कोई बंदा गाना बजा रहा उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये चीज़ अगर आप लोग माइंड ना करो तो बाकी सब ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ में अगर आप लोगों को ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। इसी के साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इट वॉज वर्थ कि आपने कैमरा खरीदा, तो भाई क्या करोगे, सब्सक्राइब कर देना और अच्छी ऐसी वीडियोस के लिए झाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ में मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR 7811। सो करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।